हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स हाउस यूट्यूब चैनल। लेटेस्ट स्पोर्ट्स के अनबॉक्सिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे कॉस्को का एक बैडमिंटन रैकेट जिसका नाम है कॉस्को CB99। इस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस परफॉर्मेंस जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। मेरा नाम है मोनीश, तो स्टार्ट करें। तो दोस्तों, ये है हमारा बैडमिंटन रैकेट जो कि आता है फुल कवर में। बिल्कुल इसके साथ कंपनी ने फुल कवर दिया है। हालांकि कवर जो है वो फुल दिया है बॉडी, पूरी बॉडी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत खास तो नहीं है। अगर इस कवर को हम सही से चेक करें तो इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया नहीं दी हुई है, लेकिन फुल प्रोटेक्शन के लिए फुल कवर दिया हुआ है। एक बेसिक सा प्रोटेक्शन इस कवर में आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम आते हैं हमारे बैडमिंटन रैकेट के ऊपर जो कि ये रहा। दोस्तों, बैडमिंटन रैकेट जो हमारा है इसी डेमो स्ट्रिंग्स के साथ ही मुझे मिला था। साथ में जो इसका शेप है हेड का वो ओवल है, और इसके साथ में इसका जो हेड है वो एल्युमिनियम है, जो इसका शाफ्ट है वो स्टील है, टेम्पर्ड स्टील। इसके अलावा ये रैकेट जॉइंट वाला रैकेट है, बीच में एक जॉइंट लगा रखा है हेड और शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए। इसका जो कलर है वो बीच में तो सिल्वर दे रखा है, नीचे वाइट कलर है, ऊपर हेड में भी वाइट कलर है, तो ये कॉम्बिनेशन है कलर का। इसके अलावा भी इसमें एक दो कलर्स और आते हैं, तो आप एक दो कलर्स और जो भी अवेलेबल है मार्केट में आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जब मैंने इस रैकेट को वेग किया तो उसका वजन करीब करीब 90 to 95 grams के बीच में ही लाए किया। जो इसकी टेंशन है, स्ट्रिंग टेंशन, वो है 18 to 20 LBS के आसपास। और जो इसका ग्रिप साइज है दोस्तों वो है G5। साथ में जो इसका बैलेंस है वो है 300 mm, और अगर फ्रेम के डायमीटर का बात करें तो 10 mm फ्रेम का डायमीटर है। अगर हम इस रैकेट की परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर आप हॉबी बैडमिंटन रैकेट एज अ हॉबी में खेलते हैं, मतलब आपकी हॉबी है बैडमिंटन रैकेट खेलना, तो आपके ये रैकेट काम आएगा। मतलब आप ये रैकेट परचेज कर सकते हैं, क्योंकि डेली बेस खेलने के लिए रैकेट सही रहेगा। जो इसके और बिगनर वाले मॉडल थे, हालांकि ये भी एक रैकेट बिगनर रैकेट ही है, इसको हम इंटरमीडिएट में नहीं जज कर रहे हैं, बट जो इससे भी सस्ते वाले मॉडल्स आते हैं कॉस्को में, जैसे CB88 हो गया, 885 हो गया, उसके मुकाबले इसकी क्वालिटी थोड़ी ठीक है, तो इसको हम रेगुलर प्ले में काम में ले सकते हैं। हालांकि है बिगनर रैकेट, बट रेगुलर प्ले के काम आ जाएगा। जो अगली चीज है वो है इस रैकेट का बजट। इस रैकेट की जो MRP है वो है 450 rupees, मतलब 450 rupees, और ये रैकेट आपको 380 से 400 की प्राइस रेंज के बीच में मार्केट में मेरे हिसाब से मिल जाना चाहिए। साथ ही साथ इस रैकेट का फ्रेम वन पीस है और ये बिल्ट इन टीजर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने रिव्यूज कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खेलते रहिए, हेल्दी रहिए और अपना ध्यान रखिए। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, जब भी मैं आपको किसी प्रोडक्ट का बजट बताता हूँ तो मैं उसके दो बेस पे आपका बजट डिसाइड करता हूँ, एक उसकी कंपनी की MRP और एक उसका सेलिंग प्राइस। तो जो भी मैं आपको बताता हूँ उसकी MRP और सेलिंग प्राइस वो फिक्स नहीं होता, वो फ्लेक्सिबल होता है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहता है, तो इस MRP और प्राइस को सीरियसली मत लीजिएगा। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों कि हमारा स्पोर्ट्स का बिजनेस भी है, तो हम ऑफलाइन भी सेल करते हैं इस प्रोडक्ट्स को और ऑनलाइन भी सेल करते हैं। हमारा ऑफलाइन स्टोर है जयपुर राजस्थान के अंदर, और ऑनलाइन हम मार्केट प्लेसेस जैसे Amazon और Flipkart में भी सेल करते हैं। तो जो लोग जयपुर में रहते हैं वो हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। मैं स्टोर का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके साथ ही साथ अगर आप राजस्थान से बाहर रहते हैं तो आप Amazon Flipkart पे हमारे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं स्पोर्ट्स हाउस पे जाके। इसके अलावा अगर कोई बिजनेस इंक्वायरीज है तो मैं ईमेल डाल दूंगा, आप उस पर मेरे को बिजनेस इंक्वायरी पूछ सकते हैं।